दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं ये जो फ्लफी पैनकेक्स हैं ये किस चीज़ से बनाए हुए हैं? ये जो पैनकेक हैं ये मैंने बची हुई खीलों से बनाए हैं, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट है और देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये वही खीले हैं जो दिवाली की पूजा में हम उपयोग करते हैं, और वो जो खीले हैं वो बच जाती हैं, तो उन बची हुई खीलों से मैंने यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया पैनकेक बना के तैयार किया है। तो चलिए जल्दी से बनने वाले खील के पैनकेक की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। खाने की बात शालिनीज किचन के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी, स्वागत है आपका शालिनीज किचन में। दोस्तों, दिवाली पे हम खीलें लाते हैं और थोड़ी बहुत खील बच भी जाती है, तो मैं आज आपको उन बची हुई खील से पैनकेक बनाना बताऊंगी, जो कि बनाना बहुत आसान होता है। उन पैनकेक को आप बच्चों को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग स्नैक्स में दे सकते हैं, बच्चों को आप लंच बॉक्स में पैक करके भी दे सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि बची हुई खीलों से पैनकेक कैसे बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। खील के पैनकेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक बाउल भर के खील ली है, और सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो खील में इस तरीके के छिलके होते हैं इनको निकालना है। ये देखिए आप, खील में यहाँ पर इस तरीके के छिलके होते हैं, तो इन छिलकों को हमें निकाल कर खील को बस पानी से धोना है। तो मैंने यहाँ पर खील को पहले से ही साफ़ करके और इसको पानी से धो के रख लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो खील है एकदम सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए आप, 5 चम्मच सूजी, 2 चम्मच दही, यहाँ पर ली है मैंने थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर, थोड़ी सी कटी हुई प्याज, 1 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, और लिया है यहाँ पर मैंने 5 चम्मच तेल। सबसे पहले हमें जार में भिगोई हुई खील डालकर खील को हमें पीसना है, और डालेंगे हम यहाँ पर दही, और साथ ही साथ डालेंगे लगभग 1/2 कप पानी, और सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। खील यहाँ पर हमारी अच्छे से पिस गई है, आप यहाँ देख सकते हैं कि एकदम स्मूथ पेस्ट बनके हो गया है तैयार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। एक बाउल में हम पिसी हुई खील का मिक्सचर डालेंगे, डालेंगे हम सूजी, कटी हुई शिमला मिर्च, कटा हुआ टमाटर, कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, और थोड़ा सा डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर, नमक, और सारी चीज़ों को करेंगे हम अच्छे से मिक्स। अब हम डालेंगे इस मिक्सचर में पानी, पानी डालकर हम अच्छे से करेंगे मिक्स। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1/2 कप पानी डाला है, और अब हम इस मिक्सचर को लगभग 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। मिक्सचर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये जो मिक्सचर है बनके हो गया तैयार। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तवे को हम गर्म होने के लिए रख देते हैं, तवा हो गया यहाँ पर गर्म, तो तवे पर हम 1 चम्मच तेल डालकर तेल को अच्छे से फैला देंगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेके छोटे छोटे पैनकेक तैयार करेंगे। पैनकेक बनाने के लिए आप एक बात का ध्यान रखें कि तवा आप नॉनस्टिक ही लें। अगर आप नॉर्मल तवे पे पैनकेक बनाएंगे तो पैनकेक तवे पे चिपक जाएंगे। पैनकेक यहाँ पर हमारे नीचे से सिक गया है, तो अब हम इसको पलट लेते हैं। पैनकेक यहाँ पर हमारा दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है, तो इसको हम तवे से बाहर निकाल लेंगे। पैनकेक्स यहाँ पर हो गए हमारे बनके तैयार। इन पैनकेक्स को आप टमाटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये जो पैनकेक्स हैं खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरे खील वाले पैनकेक की रेसिपी? है ना मज़ेदार, और इसको बनाना भी बहुत आसान होता है। तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर शेयर करें। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ, मैं ऐसे ही नई नई रेसिपी लाती रहूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।